चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमने फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर दोस्तों ब्रश की सहायता से आप उसके अंदर लगा दें ऑयल या बटर। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें बटर लगाएंगे या घी लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ब्रेड को अच्छे से सेक लेना है दोस्तों, बिल्कुल करारी कर लेना है, जिसे अपन देसी भाषा में कहते हैं ना आकरी, वह कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल करारी करेंगे तो अपने को कटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी और ब्रेड अब मेरी अच्छे से सिक जाएगी दोस्तों। तो ये आप जरूर करें अच्छे से इनको, तो सारी की सारी ब्रेड को आप इसी प्रकार सेक लें जैसे कि हमने इनको सेक कर अलग कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों हमको करनी है इसकी कटिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इनके ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, हमें एक ब्रेड के ओनली 4 ही पीसेस बनाने हैं, स्क्वायर फेसिंग बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसे और भी छोटे कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर है छोटे बड़े साइज़। तो अच्छे से हमने इनके देख सकते हैं सारे की सारी कटिंग कर ली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वापस फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे लगभग दोस्तों हमने 2 चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा दोस्तों, और जीरे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें। कुछ देर में होने के बाद में इसके अंदर हम दोस्तों सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छे से ऐड कर दें दोस्तों, और ऐड करने के बाद में दोस्तों अपने हाथों को लेना है काम में और घुमा देना है इसे अच्छे से दोस्तों। अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन तक पका लेना है दोस्तों। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएं आप, नहीं तो आपके प्याज जल भी सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च ऐड कर दे दोस्तों, और इन्हें भी अच्छे से पकाएं आप। अगर आपके पास यहाँ पर ग्रीन चिल्ली नहीं है तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं दोस्तों, बारीक वाले लिए हमने यहाँ पे मिर्च। तो इनको पकने के बाद में आप ऐड करेंगे इसके अंदर दोस्तों टमाटर, लास्ट इन्ग्रीडियंट था अपना, इसे भी ऐड करके सबको मिक्स कर देना है अच्छे से, जैसा कि हमने आपको करके दिखाया दोस्तों। अच्छे से पकाए तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स को दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो ये भी दोस्तों देख रहा है आपको अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर कुछ चटपटे मसाले भी ऐड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डालेंगे दोस्तों इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर हम, तो लाल मिर्च पाउडर हमने 1 चम्मच डाली है इसके अंदर, और दोस्तों थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें क्योंकि दोस्तों हमारा जो गैस चल रहा है मीडियम फ्लेम पे है, लेकिन कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है इसलिए दोस्तों ये जल भी सकती है। इसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें सूखी मिर्च आती है उसे भी पीस कर डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आप इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे नमक, और सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और अब इंतज़ार करेंगे दोस्तों मसाले पकने का। तो मसाला हमें पका लेना है अच्छे से, मसाले में कोई भी पकाने में कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। बहुत से लोगों का यही दिक्कत होता है, जो हम बोलते हैं वो ही काम करते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम बोलते हैं अगर आपको मीडियम करना है तो आपको वहीं पर मीडियम ही करना होगा, तभी आपकी रेसिपी वैसी बन पाएगी जैसे हम आपको दिखाते हैं इमेज के अंदर। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी दोस्तों। तो ये बातें आप कभी स्किप ना करें। मसाला आपका अच्छे से पक चुका है, इसमें आप थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर दें दोस्तों, इससे हमारी जो मसाला है वो ग्रेवी वाला बन जाएगा, और जो हम इसमें ब्रेड की कटिंग पीस डालेंगे वो अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, और हमारा ये ब्रेड का नाश्ता अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आप इसके अंदर ब्रेड ऐड कर दें, देख सकते हैं हमने स्क्वायर पीस में ही काटा सबको। आपको छोटे बड़े पीस करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। अच्छे से मिक्स करें दोस्तों, अपनी सारे के सारे ग्रेवी सारे ब्रेड के ऊपर लग जाने चाहिए, तभी हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। ये जो नाश्ता है बहुत ही सिंपल है, आप इसे मॉर्निंग में ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही फास्ट बनने वाला नाश्ता है, और एक बात दोस्तों, ये ब्रेड का बिल्कुल नया नाश्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।